नाउ कंटिन्यू। अभी हमने जैसे इसमें पढ़ा था कि पूरा कि किस तरीके से एक सेल्स जो होता है सेल्स में डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बॉडी अलग अलग डिजीज से क्या करने लगती है, सफ़र करने लगती है। हम अभी इस चैप्टर्स का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ एंड इट्स फेलियर। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर कोई हमें ये बोलता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ये बोल दे कि अरे आपकी का मैं इस तरीके से अगर आपको कोई बोले अरे कि आपकी दादी तो बहुत बीमार रहती है पर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, पर आपको ऐसा लगता है ना कि अरे मेरी दादी क्यों बीमार रहती है, कि मेरी दादी में ऐसा क्या डिफेक्ट क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, या हम क्यों मतलब हम भी हेल्थी है तो हमारे घर के जितने भी मेंबर हो सभी हेल्थी होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं उन्हें डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है कि 2-3 दिन के लिए तो सिर्फ हमें मेडिसिन देता है कि आप लोग इसे ये जो मेडिसिन दे करके देखो, अगर उसे ना कुछ भी फ़ायदा हो तो फिर उसे रिटर्न लेके आना। तो आप ऐसे ही करते हो, 2 दिन आप उसे मेडिसिन देते हो, फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो, फिर आप बोलते हो कि डॉक्टर की तो मेरी दादी जो है अभी हमें इसमें कुछ सुधार नहीं लगा है, तो आप क्या करते हो कि फिर से वो डॉक्टर क्या करता है कुछ लेबोरेटरी के टेस्ट वगैरह आपको लिख करके देता है, तो आप क्या करते हो वो टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट करवाते हो और अदर्स रिपोर्ट्स वगैरह होती वो करवाते हो, तब ये पता चलता है कि इनके इस बॉडी के इस पार्ट्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स हुई है। तो वो प्रॉब्लम्स क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कभी सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो मतलब हमें जो भी उसमें डिफेक्ट होता है उस वक्त कि जिस पार्ट्स में बॉडी के जिस ऑर्गन में भी उसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो डॉक्टर उसके रिलेटेड उसे क्या करता है फिर दवा देता है, फिर वो धीरे धीरे रिकवर भी होने लगते हैं। ठीक है, तो हेल्थ इज अ देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बींग वेल इनफ फंक्शनल एंड फिजिकली मेंटेन एंड सोशली। तो जो हमारी जो हेल्थ होती है ना जो बेटा, हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फिजिकली भी हमारे मेंटली एंड सोशली ओवरऑल पूरा क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। अब हमारे हैं नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। जो हमारे पर्सनली और जो कम्युनिटी जो हमारी होती है, जो हमारी छोटी सोसाइटीज होती है, वो क्या करते हैं, दोनों ही मैटर हमारे हेल्थ के लिए क्या है, जरूरी है। If health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on the our own. The health of organism will depends on their surrounding or environment. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पर्सनल और हमारी कम्युनिटी दोनों ही हमारी हेल्थ में क्या करती है, इन्वॉल्वमेंट करती है। अब आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है और हमारी जो सोसाइटीज़ है, समटाइम्स ये होता है कि इस तरीके से आप देखो कि अगर हमारा आसपास का जो क्लाइमेट्स है, ठीक है, वो अगर क्लीन ना रखेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं अपने गार्बेज का, अगर हमने क्या किया अपने गार्बेज को अपने ही घर के बाहर रखा है या रोड पे इस तरीके से डाला है कि अगर वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी मतलब वो ना हो सके, मतलब सफाई ना हो सके, ठीक है, तो अब क्या होगा, उस गार्बेज से अलग अलग बीमारियाँ होने लग जाएगी, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होने लग जाएंगे, वहाँ पर बैक्टीरिया फंजाए फॉर्म होंगे, वो अगर वहाँ पर फॉर्म होने लग जाएंगे तो वो जो होंगे वो पूरी हमारी एयर में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, हमारी एयर में मिक्स होंगे तो हमें पता है कि हम अपनी एयर में क्या करते हैं, सांस लेते भी है छोड़ते भी, तो वो जो होगा वो पूरा वो एयर से मिक्स होते हुए क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, और एंटर होने के बाद में हमें नई नई अलग अलग डिजीज क्या होने लग जाएगी, हमें उन डिजीज से सफर करना पड़ेगा। तो ये बेटर होता है कि हम अपने आसपास के माहौल को क्या रखें, क्लीन रखेंगे तो हमें क्या नहीं होंगी, डिजीज भी नहीं होंगी। ये तो मैंने एक नॉर्मली आपको गार्बेज से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी सोसाइटी भी हमारी हेल्थ के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हमारी सोसाइटी को अगर हम नीट एंड क्लीन नहीं रखते हैं तो वो हमें उसका डिजीज से हमें क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। अब हम ये देखते हैं consider would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. अगर for example अगर जैसे हमारे पास जो नगर परिषद वाले आते हैं ना, जो हमारे घरों का कचरा वगैरह लेकर के जाते हैं, ठीक है, वो हमें वो बजाते हुए भी आते हैं कि अपने अपने घरों से कचरा निकालो, अपने माहौल को साफ सुथरा रखो, हमें अपने शहर को नीट एंड क्लीन रखना है, तो अगर वो अगर इस तरीके की कोई
जो क्या बोलते फैसिलिटी अगर हमें ना प्रोवाइड हो तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम एक से दूसरे दिन का गार्बेज भी हम अपने घरों में नहीं कलेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपने वेस्ट मटेरियल को, हमारे कचरे को अगर हम अपने घरों में रखेंगे तो हमें ही इससे सबसे पहले हमें ही इससे सफ़र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे हमें पता है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होने वाले हैं और वो फॉर्म्ड हो जाएंगे तो हमें अलग अलग डिजीज़ भी लगने लगेगी। ठीक है, तो ये तो हमें मतलब पर्सनली हमें अपने आप की खुद की क्लीननेस का और फिर हमारी सोसाइटी की क्लीननेस से रिलेटेड हमें रखना है, क्योंकि हमारा पर्सनली एंड कम्युनिटी मतलब हमारी जो सोसाइटी भी इसमें क्या करती है, इन्वॉल्वमेंट करती है। ठीक है, अब ये तो हमारे 2 पॉइंट्स और टॉपिक हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसमें स्टार्ट करती हूँ डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज़ की। एक हेल्थी पर्सन होना और एक डिजीज़ से रिलेटेड पर्सन होना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है कि एक जो डांसर होता है वो किस तरीके से अपना डांस प्रॉपरली परफॉर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो बॉडी क्या होती है, पूरी डेवलप होती है, उसकी जो मसल्स, जो बोन्स होती है वो स्ट्रेच होती है। अगर उसको अगर किसी अपनी बोन्स में या अपनी बॉडी में अगर कोई डिफेक्ट होता है, अगर उसे लगता है कि इस मेरी इस बॉडी के इस ऑर्गन में यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स हो रही, तो वो डांस नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से एक जो होता है सिंगर होता है, उसे ये होता है कि वो अपने थ्रोट्स और लंग्स के ऊपर प्रॉपरली केयर करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो जो गाना गाएगा वो एकदम उसे परफेक्टली उसे क्या करना है, देना है हमें, तो वो जो प्रॉब्लम वहाँ होती है। तो ये मतलब मैं आप लोगों को इसलिए मैंने आप लोगों को इतना इसलिए ये बता रही हूँ कि जो एग्जांपल दिए हैं कि मतलब एक हेल्थी पर्सन होना और एक किसी डिजीज से रिलेटेड कोई पर्सन होता है तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इतना भी हमने क्या इस चैप्टर के बारे में जितना पढ़ा है, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, उसमें उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उनसे रिलेटेड जो हमारे पीछे जो बैक साइड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं उन्हें सर्च करना है। अगर आप लोगों को इसमें समझने में अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो या आपको न समझ में आया हो तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मेरे नंबर पर मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को वर्क करना है, आप लोग और स्टूडेंट्स एक और बात कि आप लोगों को अपने घरों में रहना है, आप लोगों को बाहर नहीं निकलना है, स्टे होम। ठीक है, और आप लोगों को इस तरीके से मैंने पूरा हाईलाइट चैप्टर को करके रखा है, आप लोगों को करके नोट्स प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।